इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आपने सामने वाले को क्या बोला और उसने क्या समझ लिया, इसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हमारी हड्डियाँ तुड़वाने के लिए काफ़ी होती है। कई बार ज़्यादा बोलना हमें बहुत सी परेशानियों में डाल देता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक राजा ने एक कैदी को सजा सुनाई थी कि कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी, और जब फांसी का टाइम आया उस कैदी के गले में रस्सी को डालकर जैसे ही लीवर को खींचा गया तो रस्सी टूट गई। और उस राजा के राज्य में रस्सी टूटने को भगवान का न्याय माना जाता था, और उस कैदी को छोड़ देते हैं। तभी उस कैदी ने कहा कि क्या महाराज है, इस पर ठीक से रस्सी तो बनती नहीं है, तो फिर क्या राज्य चलाता होगा। और ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपनी तलवार निकालकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ पर गलती किसकी थी। दोस्त, जाना बोलना कभी कभी आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जाना बोलने से कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं ये हम कभी भी सोच नहीं सकते हैं। शब्द एक ऐसी चीज होती है जो कि एक बार निकल जाते हैं तो फिर लौट कर कभी नहीं आते हैं। तो दोस्त, जब भी आप बोलो तो अपने सपनों को छान कर बोलो, क्योंकि शब्द बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। जब जब आप कम बोलोगे तो आप दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट लगोगे और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। लेकिन अगर आप 24 घंटे बड़बड़ करते हो तो एक कुत्ता भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि सबको ये लगेगा कि इंसान केवल और केवल बोलता ही रहता है लेकिन करता कुछ नहीं है। आप जितना कम बोलोगे आप उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। ज़्यादा बोलने से घर में कलेश होगा और भाई भाई आपस में लड़ेंगे। तो कभी भी आप ज़्यादा मत बोलिए, और जब भी बोलो तो अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलो। अगर दुर्योधन के गिनने पर द्रौपदी ने अपना मुंह नहीं खोला होता तो इतना बड़ा महाभारत कभी होता ही नहीं। आपको तो पता ही होगा कि महाभारत में क्या क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे, कितनी वीर योद्धाओं को मृत्यु मिली थी सिर्फ और सिर्फ एक शब्द से, अंधे का पुत्र अंधा। कि अंधे का पुत्र अंधा, और इस शब्द ने पूरे ब्रह्मांड को लाके रख दिया। इस शब्द ने भाई भाई के बीच बहुत बड़ा युद्ध फैला दिया। और शब्द क्या था कि अंधे का पुत्र अंधा। आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसे पहले सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये शब्द को बोलने से कहीं कोई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं हो जाएगी, सोचो तब जाकर कहीं बोलो। जवान से निकले हुए शब्द, बंदूक से निकली हुई गोली और धनुष से निकला हुआ बाण, ये कभी भी खाली नहीं जाते हैं, ये किसी ना किसी को घायल करके ही जाते हैं। आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसे सोच समझ कर बोलो। मैं आपको हमारे यहाँ के लड़के के बारे में बताता हूँ, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, क्या पता वो मुझे मानने आ जाए। वैसे तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसकी ऊटपटांग बातें उसे हम सबसे अलग बनाती हैं। ऐसे ही एक बार की बात है कि एक बार मैं और मेरा दोस्त एक गाड़ी की बात कर रहे थे, स्प्लेंडर की। तो हम दोनों बातें कर रहे थे कि ये गाड़ी कितने की आ रही है। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि 1 लाख की आ रही है। तभी बीच में से वो लड़का आ गया और कहने लगा कि तुम गलत बोल रहे हो, 1 लाख की नहीं आ रही है, बल्कि वो 1,02,365 रुपये की आ रही है। अब सब उस पर हंसने लगे और कहने लगे कि तू उस कंपनी का मालिक है, कि तुझे सब कुछ पता है। अरे 1 लाख में और 1,02,365 में फ़र्क ही कितना है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जानबूझकर अपना मजाक बनवाते हैं। तो आप कम बोलो, सबसे अच्छा बोलो, तो सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, वरना कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत समाज में ज़्यादा होती है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।